सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस यार कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाइयों। तो भाई यार एक बात बताओ, मैं जब भी एक राउंड वन पे आने वाला होता हूँ तभी मेरा माइनस इतना गंदा वाला क्यों लगता है मेरे को भाई? मतलब समझ नहीं आता मेरी इतनी ज़्यादा किस्मत क्यों ख़राब है। मतलब आज तो मैं राउंड वन पे सिर्फ मेरे को 21 पॉइंट चाहिए थे और 34 का माइनस लग गया यार, दिल से बुरा लगा मेरे को। पर लेकिन आज भाई मैंने बात सोच ली है एक, आज कैसे भी करके कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं राउंड वन करके ही सोऊंगा। बहुत दिनों से राउंड टू पर ही अटका पड़ा हूँ यार। मतलब हैकर्स आएंगे और मारेंगे और कभी कभी तो मैं हैकर्स के खुद पास जा करके अपनी पेटी बनवा लूँगा। तो गाइस यार देखो, अब थोड़ा सा इस गेम के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मेन वाली बात बोलूँगा, यहाँ पर जो मेरा टीममेट था वो था हैकर, पर लेकिन वो रैंडम था। ऐसा मत बोलना कि भाई तू हैकर के साथ पुश कर रहा है, ये मतलब रैंडम हैकर था। और मैं बताऊँ तो मेरे पास और भी अच्छे गेम हैं, पर लेकिन जो इस गेम के अंदर जो है ना गंदे वाले सीन हुए हैं, मतलब हैकर बैन और भाई गलत तरह से जो हमने बंदों को मारा है ना भाई, वो देख करके आपको मतलब हंसी आएगी, आप बहुत ही ज़्यादा दिल से अच्छा लगेगा भाई आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो अभी देखो सबसे पहली बात हैकर्स की बैन होने की, वो इस गेम में मतलब बहुत सही तरह से हुए हैं। तो देखो सामने की तरफ टीममेट बोल रहा था भाई बोट है, कोई बात नहीं। अब देखो मेरे जो टीममेट था वो मेरे से बोल रहा था कि भाई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा है क्या, कोई बात नहीं, हम चिकन आराम से लेंगे। और यहाँ पर इतने में एक हैकर बैन हो जाता है। जैसे ही ये हैकर बैन हुआ ना, सबसे पहले मैंने टीममेट को देखा कि भाई बंदा ऑफलाइन तो नहीं है। खैर गाइस अपना टीममेट यहाँ पर ऑनलाइन था, पर ना तो भाई मतलब गेम के एल लग जाते, क्योंकि खैर देखो हैकर हो टीम में चाहे या फिर ना हो, और अगर आपका लेजिट प्लेयर भी ऑफलाइन हो जाता है ना, आपको अकेले गेम खेलना पड़ता है। और भाई मतलब आपको बहुत डर डर के गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं से हैकर का स्प्रे आ गया ना उल्टा सीधा, आप डायरेक्टली फिनिश हो जाओगे, आपको यार मतलब मौका भी नहीं मिलेगा भाई अगला रिवाइव मिलने का। तो अभी देखो हम यहाँ से निकल ही रहे थे, पर लेकिन टीममेट को यहाँ पर जोर जो पुली में बंदे स्पॉट हो जाते हैं। और फिर देखो यहाँ पर हमारा प्लान था एक किल मेरा एक किल उसका। अब गाइस मैं इस हैकर की बताऊं तो ये काफी सही हैकर था, और मैंने वीडियो बहुत ही ज्यादा फास्ट कर दी है। मैं बताता हूँ ये सही हैकर कैसे था, क्योंकि गाइस यार ये एक किल खुद ले रहा था और एक किल मेरे को लेने दे रहा था। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी आपने देखा होगा अगर आपके रैंडम टीम में हैकर आते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी किल नहीं लेने देते और सब बंदों को अकेले ही मार देते हैं, और लेजिट बंदों को ही मारते हैं और हैकर से जाकर के मर जाते हैं भाई। बोट मारेंगे, लेजिट बंदे मारेंगे और हैकर से जाकर के अपनी पेटी बनवा लेंगे भाई। ऐसे नूबड़े हैकर्स आते हैं कभी कभार अपनी टीम में। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा अच्छा खासा हैकर था अपनी टीम में। और भाई देखो ये बंदे की किस्मत क्या ही अच्छी थी, मैं यहाँ पर इस बंदे के ऊपर स्प्रे लेता हूँ, इस बंदे की गाड़ी का एक टायर भी मतलब यहाँ पर फूट जाता है, और भाई पूरा गंदा वाला स्कैम करता हूँ इसके साथ, पूरा स्प्रे लेता हूँ पर कुछ नहीं होता। और फिर ये बंदा कवर में चला जाता है फाइनली। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो भाई इस बोट का किल लिया यहाँ पर, क्योंकि वो बंदा किल ना चुरा ले। तो यार उस बंदे को मेरे टीममेट ने यहाँ पर भर दिया था। तो यार देखो ये रैंडम जो हैकर था मेरा, मतलब बिल्कुल भी रैंडम की तरह नहीं खेल रहा था, हैकर बेसक था पर लेकिन बात सही से मान रहा था और किल्स मेरे को दे रहा था भाई, कि जहाँ पर भी एजेंट बंदे थे ना वहाँ पर ये मेरे को बोल रहा था भाई सामने मतलब हैकर नहीं है, तुम इजिली फिनिश कर दो और मैं तो मतलब ले ही लूँगा किल कैसे भी। तो अभी गाइस यार देखो हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपार्टमेंट में, और आज तुम्हारे भाई ने सोच रखा था मतलब घुस घुस के मारूंगा भाई, डरने की कोई बात ही नहीं है, मतलब हैकर्स को, मतलब हैकर्स को नहीं बंदों को पेल दूंगा और बहुत सही तरह से किल निकालूंगा इस गेम के अंदर ही, 1-2 लाख का प्लस ले लूंगा और कल को मेरा कॉन्करर हो जाएगा। तो मैंने सामने की तरफ एक नेट ट्राई करा, पर लेकिन देखो यार आप ये मत सोचना भाई तो हैकर के साथ खेला है तो पूरा ही अंदर रश करके खेल रहा है। मैं सच बता रहा हूँ अगर BGMI में एक बार हैकर्स बैन हो गए ना भाई, मतलब कॉन्करर टीयर पे भी रहूंगा ना तब भी भाई पूरा पोचिंग की उतरेगा। पर लेकिन अगर आप सभी लोग बोलोगे तो मतलब देखो अगर हैकर्स बैन होते हैं ना तो एक चैलेंज करेंगे जिसके अंदर हम पोचिंग की उतरेंगे और पोचिंग की उतर उतर कर ही कॉन्करर करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था और मैं यहाँ पर आता हूँ। देखो यार मेरा विश्वास इस चीज़ में, आप बंदे को जितने ज़्यादा ईजी तरह से मार सकते हो उतने ज़्यादा ईजी तरह से मारो। तो एक बंदे को नेट से नोक करा, दूसरे बंदे के ऊपर मैं कर देता हूँ यहाँ पे पुश, वो नीचे कूद गया था और टीममेट से बोला भाई मतलब कुछ भी यार, मतलब मारना यार, मतलब मारना मत उसको, सिंपल बात।
तो आज तो तुम्हारा भाई बंदों से हाँ डर ही नहीं रहा था, पूरा अंधा वाला पुश कर रहा था मैं। मतलब डरने कोई बात ही नहीं है, नोक भी हो जाऊंगा तो भी टीममेट है यहाँ पर, मैं और बस मेरे को कैसे रिवाइव आता दे बताओ, देगा बंदे को फिनिश बस करके। कैसे तो यहाँ पर इन बंदों को फिनिश कर दिया था। एंड गाइस वहाँ पर उन बंदों को फिनिश करने के बाद हम जा रहे थे फिलहाल तो ड्रॉप लूटने के लिए। और कोई बंदा कमेंट करके ये मत बोलना कि भाई तू हैकर के साथ रैंक पुश कर रहा है ये वो, मेरे को दिल से बुरा लग जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर आता हूँ और मतलब हम ड्रॉप लूटने लिए आए थे, और यहाँ पर आपने 3 स्टोरी पर ड्रॉप भी देखा होगा। हमने दूर से पहले ड्रॉप के ये स्मोक देखा, और फिर जब यहाँ पर आते हैं कुछ बंदे भी स्पॉट हो जाते हैं टीममेट को। तो वहाँ पर वो बंदा मेरे को ऊपर में दिखता है, पर लेकिन मैं उसके ऊपर स्प्रे नहीं लेता स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई बंदे को लोकेशन पता लग गई और वो बच गया तो यार मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं सोचा था डायरेक्टली उसको कैसे भी करके नॉक कर दूँ। तो मैंने वहाँ पर उसको एक हेडशॉट कनेक्ट करा, पर लेकिन भाई वो बंदा मेरे टीममेट को यहाँ पर कर देता है नोक। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, वो भी मतलब सामने वाला बंदा हैकर ही था और पता नहीं भाई क्या था। एंड गाइस थोड़ी देर बाद टीममेट को रिवाइव करने के बाद हम यहाँ पर वेट कर रहे थे वो बंदा पीक करे और मेरे टीममेट उसको नोक करे। और यहाँ पर वैसे तो मैंने भी उसको एक हेड कनेक्ट कर दिया था, पर लेकिन टीममेट उसको नोक कर देता है। और अब यहाँ पर लास्ट वाला जो बंदा बचा था वो बचा था 3 स्टोरी में। तो टीममेट से बोला भाई इस वाले किल को तो मेरे को लेने देना, और देखो यार ये जो गेम होने वाला है ना ये मेरे टीममेट की मतलब इस आईडी पर आखिरी गेम होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर इसके साथ भी स्कैम होने वाला है, देखना भाई बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी। तो वो जो बंदा था वो मतलब 3 स्टोरी के ऊपर चला गया था, और मेरे टीममेट मेरे को बोल रहा था अरे भाई तू डायरेक्टली पुश करके उसको मारना। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि जितने इसी तरह से मार सकते हो उतने इसी तरह से मारो, गलती से स्कैम हो गया ना तो फालतू में एक गेम खराब हो जाएगा आपका। घुस के मार दे। और भाई मतलब देख रहे हो भाई बंदों को क्या ही खिलौना समझ के आज मैं भी यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, मतलब अंधा पुश भाई। और फिर देखो यहाँ पर भाई क्या ही स्कैम, हम यहाँ पर आए और मेरे टीममेट ने मुझसे बोला था कि भाई स्क्वाड हाउस पर चलो वहाँ पर बंदे हैं। मैंने आपको पूरा सीन इसलिए नहीं दिखाया, वीडियो वैसे ही यार यहाँ पे 9 कुछ मिनट की, और मैं आपको पता है वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो इसीलिए भाई मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा कट करके दिखाई है आज। तो फिर देखो उसके बाद सामने स्क्वाड हाउस पर ही बंदे थे, और टीममेट ने बोला कि भाई मतलब उनके ऊपर पुश करते और उनको इजिली फिनिश कर देंगे, ये मुझसे बोला था, बस तू आराम से गाड़ी चलाना और मैं इजिली नॉक कर दूंगा बंदों को। पर लेकिन भाई यहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला था। हैकर टीममेट यहाँ पर हो जाता है नोक, सबसे पहले मैंने लगाई एक फर्स्ट एड, और भाई उस बंदे ने क्या ही गजब वाला स्प्रे दिया, मतलब भाई काफी सही खेल रहा था बंदा। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं भी मतलब हैकर टाइप यहाँ पे स्प्रे दे रहा था, और यहाँ पर मैं सच बता रहा हूँ मैंने उस मतलब हैकर टीममेट को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था मैं उसको, मतलब वहाँ पर फायर भी दे रहा था, और वो जो टीममेट था वो मेरा फिर कवर में आ गया था, मैंने थोड़ा बहुत फायर लिया और पता नहीं उस बंदे ने मेरे टीममेट को फिनिश क्यों नहीं किया यहाँ पे। और मैं सच बता रहा हूँ मैं कभी भी अगर मेरा टीममेट ओपन में नोक हो जाता है ना मैं उसको कभी भी इस तरह से बचाने के लिए बिल्कुल जाता ही नहीं हूँ, पर लेकिन भाई हैकर था मैं जाता हूँ उसको बचाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है अगर पुश आएगा तो वो ईजिली मतलब दोनों बंदों को कार से ही ठिला देगा। तो अभी देखो मेरे टीममेट बता रहे थे कि भाई पीछे की तरफ भी कोई बंदा है, मेरे को मतलब रिवाइव दो और पीछे की तरफ एक स्मोक फेंको। सो गाइस देखो मेरे पास यहाँ पर स्मोक तो नहीं था, पर लेकिन मैं हो जाता हूँ यहाँ पर नोक। और यहाँ पर मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव दे रहा था, मतलब हैकर काफी सही है रिवाइव भी देता है मतलब कम से कम। और भाई मतलब कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, बंदा पुश कर रहा था भाई मतलब पूरा चौड़ में बंदे को फिनिश कर दिया गंदा वाला। अब देखो यहाँ पर हमने उसके एक लास्ट वाले बंदे के ऊपर कर दिया था पुश, और अब ये जो हैकर था रैंडम था, मेरे को लग रहा था कि ये शायद से स्क्वाड हाउस के अंदर होगा, पर लेकिन वो बाहर था बंदा। और तभी यहाँ पर हम जब जा रहे थे तो अभी यहाँ पर मेरा टीममेट हो जाता है ऑफलाइन, और भाई यहाँ पर देखते हुए किल फीड में एम आया है और मेरे टीममेट के साथ हो गया गंदा वाला स्कैम यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पर जैसे मेरे टीममेट की आईडी बैन हुई ना तभी हम अपनी वाली पर आ गए, पूरा कैंप करके गेम खेलने लगे, और थोड़ी देर मैंने वॉच टावर पे होल्ड करा, और उसके बाद लास्ट में हैकर आकर के मेरे को फिनिश कर देता है यहाँ पे। सो गाइस आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो और कमेंट तो कर ही दो मेरे भाइयों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। और आज मैं क्राउन वन कैसे भी करके मतलब ले ही लूँगा भाई, और प्लस देख ही लो भाई आप मेरा यहाँ पे।